Good morning, students. Welcome all of you. You're in English class. Children, open Chapter 13, "The Captain's Daughter." I have taught you already some paragraphs of this poem. Now I am going to teach paragraph 4. As thus we sat in darkness, each one busy with his prayers, we are lost. The captain shouted as he staggered down the stairs. जैसा कि पोएट बोल रहे हैं कि वे लोग बोलते हैं कि हम लोग उदासी में अंधेरे में बैठे हुए थे बहुत उदास थे और सभी लोग प्रेयर्स कर रहे थे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे द कैप्टन शाउटेड कैप्टन जो शिप का कैप्टन था वो शाउट होके चिल्लाया जोर से वी आर लॉस्ट अब हम लोग नहीं बचेंगे अब हम लोग खत्म हो जाएंगे एज ई स्ट्रेगर डाउन जैसे कि वो Uh, लड़कड़ाया सीढ़ियों से नीचे आया करते समय बट हिज लिटिल डॉटर इज भीज बर्ड एज शी टूक हिज आई सी हैंड इज नॉट गॉड अपॉन द ओशन जस्ट द सेम एज ऑन द लैंड ठीक तभी उनकी छोटी सी बेटी धीरे से बोली एज शी टूक और अपना आई सी हैंड ठंडा हाथ उसके कंधों पर रखा उसने उसका हाथ में हाथ में रखा और उस लड़की ने कहा इज नॉट गॉड अपॉन द क्या भगवान समुद्र में नहीं होते हैं ज, जैसा कि पृथ्वी पर होते हैं लैंड पर होते हैं क्या भगवान समुद्र में नहीं होते हैं पानी में नहीं होते जो हमारे जीवन की रक्षा कर सके देन वी द लिटिल मैडम एंड वी स्पोक इन बेटर चीयर एंड वी एंड चोर सेफ इन हाबो When the मॉर्न was shining clear, तब हम लोग ने उस छोटी सी बेटी को उनकी लड़की को किस किया प्यार किया and we spoke और बहुत खुशी खुशी अच्छे से happily उससे बोले कि अब हम लोग सुरक्षित हैं अब हम लोग सुरक्षित बनतर कहाँ पर पहुँचने वाले हैं एंड वन द मॉर्न वॉस शाइनिंग और उस समय का मौसम बहुत अच्छा था शाइनिंग था सूरज निकलने वाला था और सभी लोग उसे हाबा पर पहुंच जाते हैं सो चिल्ड्रेन वी सी इन दिस पोयम वी शुड नॉट लीव आवर होप वी शुड हैव फेथ इन गॉड बिकॉज गॉड इज एवरीवेयर एंड हेल्प अस सो चिल्ड्रेन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोयम वेरी वेल थैंक यू जय हिंद